मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस राहुल गांधी और कमलनाथ रहे। मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं और कमलनाथ सशरीर दिल्ली में रहते हैं और उनकी आत्मा भोपाल के श्यामला हिल्स पर भटकती रहती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने व्यापम मामले पर कहा, कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी में कोई खलबली नहीं मची है। जो खुद शीशों के मकान में रहते हों, वो हम पर क्या आरोप लगाएंगे। सीएम हाउस की बैठक पर कमलनाथ के आरोप पर मिश्रा ने कहा, कमलनाथ की कौन सी दूरदृष्टि है जिससे हमारी बैठक की जानकारी उन्हें लग जाती है, हमें भी बता दें। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन पर मिश्रा बोले, ओबीसी वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अधिवक्ता खड़ा कर दिया। बीजेपी ने तीनों सीएम ओबीसी वर्ग से दिए हैं। मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा, इंदिरा कांग्रेस को इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डीपी पर चढ़ रहा है, कोई फायरिंग कर रहा है। कांग्रेस सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। अब कांग्रेस दूरदर्शन हो जाएगी, जिसके दूर से दर्शन होंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई खलबली नहीं है और कांग्रेस के आरोपों से ना आज तक खलबली मची है ना मची है। कांग्रेस वो क्या आरोप लगाएगी, शीशे के घरों में रहने वाले अंबर पत्थर कैसे फेंक देंगे। ओबीसी के साथ में जो धोखा कांग्रेस ने किया था, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। किस तरह से उन्होंने एक शगुफा छोड़ा अपनी सरकार में और फिर महाधिवक्ता तक खड़े नहीं हुए हाई कोर्ट में और स्टे करवा दिया। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे तीन मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हों, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हों, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इन लोगों की पार्टी है। अब इंदिरा कांग्रेस की जगह ये इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नेताओं की स्थिति देखो इनके इंटरनेट वालों की, कोई खम्भे पे चढ़ रहा है डीपी बदल रहा है, कोई रिवॉल्वर चला रहा है गाने गाते में, डिस्को करते में, फायरिंग हो रही है। ये स्थिति कांग्रेस की है और ये जनता सब देख रही है और इसलिए वैसे भी कांग्रेस ट्विटर पोस्टर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। अब ये जो इंटरनेट कांग्रेस बना रहे हैं ना, ये अब वर्चुअली कांग्रेस हो जाएगी, अब दूरदर्शन हो जाएंगे, निकट से दर्शन नहीं होंगे। मिश्रा के निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। उन्होंने कहा, खादी को लेकर राहुल गांधी आडंबर कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा खादी खरीदी गई है तो वो पीएम मोदी के आह्वान पर खरीदी गई। ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काय को यात्रा कर रहे हो, खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। मध्य प्रदेश मांगे कमलनाथ के नारे पर मिश्रा ने कहा, ये कमलनाथ कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस क्या कह रही है ये भी देखना होगा। मिश्रा ने कहा, कमलनाथ जी सशरीर दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनकी आत्मा श्यामला हिल्स पर ही भटकती रहती है। ऐसा लगता है कमलनाथ जी सशरीर भले दिल्ली में रहते हो पर उनकी आत्मा जो है ना, उनकी लालसा जो है ना, यही श्यामला हिल पर ही भटकती रहती है। ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कमलनाथ जी आप पे, जरा हमको भी तो बताओ कि हमारी बैठक का हालचाल आपको पता चल जाता है। इतनी चिंता जितनी आप हमारी बैठक की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की चिंता कर ली होती तो 40 विधायक बगावत नहीं करते, न सरकार जाती और न राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।